फैन इन दिनों उनकी अपकमिंग सस्पेंस थ्रिलर की कास्ट एंड क्रू से नाराज हैं, क्योंकि ये सब मीडिया से ये कहते फिर रहे हैं कि इस फिल्म का टाइटल धुआं है, जबकि अभी तक इस फिल्म का टाइटल फाइनलाइज नहीं हुआ है। इमरान खान को उनकी अगली फिल्म मातरू की बिजली का मंडोला के लिए डायरेक्टर विशाल भारद्वाज से वेट गेन करने के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस मिले हैं, जिसके लिए इमरान ने एक देसी तरीका ढूंढ निकाला है। इमरान इन दिनों जुहू के एक अखाड़े में लोकल पहलवानों के साथ वर्कआउट कर रहे हैं और इमरान को ट्रेनिंग देने के लिए एक स्पेशल रेसलर भी हायर किया गया है। विद्या बालन स्टारर द डर्टी पिक्चर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर बेस्ड है, इसीलिए इस फिल्म के मेकर्स ने फेमस तमिल सॉन्ग नक्का मुक्का के राइट्स खरीद लिए हैं और इस फिल्म में विद्या के सीन्स के दौरान बैकग्राउंड में प्ले किया जाएगा। रितेश देशमुख अपनी फर्स्ट मराठी फिल्म को प्रोड्यूस करने की तैयारी में है, जिसमें वो एक्टिंग करते दिखेंगे, लेकिन अभी तक रितेश इस फिल्म की स्क्रिप्ट को फाइनलाइज नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वो उनकी फिल्म तेरे नाल लव हो गया की शूटिंग में काफी बिजी हैं। म्यूजिशियन टर्न्ड एक्टर हिमेश रेशमिया अब अपनी फर्स्ट इंटरनेशनल फिल्म अ स्टार इज किल्ड की तैयारी में जुटे हैं और कहा जा रहा है कि ये फिल्म किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की मर्डर पर बेस्ड है और हिमेश इस फिल्म को 25 जून यानी माइकल जैक्सन की डेथ एनिवर्सरी पर रिलीज करेंगे।